अरे अच्छे से गाना, ये तो दूंगा लास्ट। अरे हाँ पापा, अच्छे से गाऊंगा पापा, तुम बाहर बैठो जाके। हाँ हाँ हाँ, जा रहा हूँ मैं, बाहर बैठा हूँ मैं। जी पापा, तो दूंगा लात खींच के। हाँ पापा, कह रहा हूँ ना, इतना दूर से आया हूँ। अरे हाँ हाँ, कह रहा हूँ ना, मैं बाहर बैठा हूँ सर। मेरे पापा बहुत ही गुस्से वाले हैं सर। हाय सर। हाय। राम राम। राम राम राम। कैसे हो आप? और नाम क्या आपका सर? अब नाम तो क्या बताऊं सर, नाम तो हमारा मालिक का हो गया है, बुढ़ापा आ गया है। बहुत सही बात, बहुत सही। सारी जिंदगी मेहनत की, मजदूरी की, बहुत सही। क्या करें सर, घर बनाया, बहुत ही मेहनत की। हम सोचे कि हमारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। हमारा एक जवान बेटा है सर, किसी काम का नहीं है सर, सारा दिन खेलता रहता है, उधर उधर घूमता रहता है। हम उसे बोलते हैं कहीं काम पे जाओ, दो पैसे कमा के लाओ, अच्छा रहेगा। और नहीं तो बेटा, हमारा जैसा बुढ़ापा आ गया तो कीड़े पड़ जाएंगे तुम्हारे। लेकिन नहीं समझता है सर। आप क्या करते हैं? तो काम तो क्या बताऊं सर, किसान हूं सर। आप किसान हैं? किसान का काम करता हूं सर, बहुत ही मेहनत मजदूरी करता हूं। क्या बात है यार, ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब देश के अन्नदाता किसान है हमारे। एब्सोल्युटली। लग तो बहुत अच्छे रहे हो, और इतनी दूर भी आए हो, तो हमारी मतलब दिल से आपके लिए बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू सर। चलिए आइए। ऑल द बेस्ट। ओ वाओ, आपके साथ आए हैं? जी सर, साथ में लाया हूं ना उसे। अच्छा, बुलाता हूं सर, बुलाता हूं। अरे अंदर आ जा रे फजल। हाँ पापा, अंदर आ जा। आ रहा हूँ पापा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये देखो सर, ये जवान हट्टा कट्टा मेरा बेटा है, कुछ कहना चाहता है? जी पापा। बोल सर, मैं आपको क्या बताऊँ सर, मेरे पापा ना मुझ पे विश्वास नहीं करते थे कि मैं एक बहुत बड़ा सिंगर हूँ सर। मेरे पापा हमेशा मुझे जूते मारते थे, और हमेशा मुझे डराते थे, धमकाते थे, बोलते थे काम पे जा, काम पे जा। मैं नहीं जाता हूँ सर काम पे सर, मैंने कसम खाई है सर, मैं एक दिन बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा, मेरे पापा का नाम रोशन करूंगा सर, और सर सारी दुनिया को दिखाऊंगा सर, मैं भी मेरे बाप का बेटा हूँ सर। बहुत ही परेशान हूँ सर, गरीबी हालत है सर, किसको कहूँ सर, कोई नहीं सुनने वाला है सर मेरी। मेरे पापा को मैं बोलता हूँ मैं एक दिन नाम रोशन करूँगा। अरे रुक रुक, मुझे बोलने दे थोड़ा। जी पापा। लेकिन सर, मैंने एक दिन इसको गाना गाते हुए देखा, मेरा तो दिमाग खराब हो गया सर, मेरे होश उड़ गए। इतना अच्छा गाता है, इतना अच्छा गाता है कि मैं तो सोच में पड़ गया। फिर मैंने सर उसी दिन से सोच लिया कि इसको इंडियन आइडल में लेके जाना पड़ेगा। मैंने सोचा उस दिन कि ये मजदूरी के लायक तो नहीं है, ये मेरा नाम रोशन कर देगा सारी दुनिया के अंदर। ऐसा ही मुझे लगा सर। फिर सर मैं इसको यहाँ पे लेके आया हूँ सर। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। वाह वाह। ओके सर, ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये पोटली में क्या लाए हैं आप? जी मैम, पोटली में तो अब मैं क्या बताऊँ, पोटली में तो खाना है, और मेरे पापा और हम जब भूख लगती है तो खाना खा लेते हैं, और थोड़ा बहुत बचा हुआ खाना है तो इसमें रख लिया है, अभी हम बाद में इस ऑडिशन के बाद में और खा लेंगे। ओके सर, इजाज़त दीजिए आप, मेरा बेटा अच्छे से गाए, दुआ देना सर आप। मैं ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूँ कि भगवान इसको अच्छा गवा दे, अच्छा गा ले। ओके सर, ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद।
आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देखते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे, ये पक्का वादा है, अगर आप डिजर्व करते हैं तो। क्या गाना गाने वाले हैं? अरे अच्छे से गाना, ये तो दूंगा लास्ट। अरे हाँ पापा, अच्छे से गाऊंगा पापा, तुम बाहर बैठो जाके। हाँ हाँ हाँ, जा रहा हूँ मैं, बाहर बैठा हूँ मैं। जी पापा, तो दूंगा लाल खींच के। हाँ पापा, कह रहा हूँ ना, इतना दूर से आया। अरे हाँ हाँ, कह रहा हूँ ना, मैं बाहर बैठा हूँ सर। मेरे पापा बहुत ही गुस्से वाले हैं सर। तो प्लीज, और इतनी दूर भी आए हो तो हमारी मतलब दिल से आपके लिए बेस्ट विशेस हैं। ओके सर, मैं स्टार्ट करता हूँ सर। चलिए जरूर सुनते हैं। कम ऑन ब्रदर, गुड लक। रो रही है धरती अंबर, रो रही जल की धारा, माँ की आंखों का तारा था, सूरज का था उजियारा, सूरज का था उजियारा, सूरज का था उजियारा। धोखे से उस परिवार किया, ये कैसा अत्याचार किया, अब सारी सत्ता हिलाएंगे, उस शेर को न्याय दिलाएंगे, उस शेर को न्याय दिलाएंगे, उस शेर को न्याय दिलाएंगे। तेरे बिन सूना वतन, तेरे बिन मुझरा चमन। तलवारे उठा कदम, बढ़ा कदम, बढ़ा कदम, ले तलवारे उठा कदम, बढ़ा कदम, बढ़ा कदम, ले तलवारे बढ़ा कदम, शेरों की शान में। विशाल एंड नेहा टुगेदर, मैंने क्लैप नहीं किया। क्यों सर? क्यों? क्यों सर? आखिर क्यों? द रीजन इज वेरी सिंपल, आई एम सॉरी टू से, आई रियली एम, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज़ यू गॉट क्लैप्स फ्रॉम विशाल एंड नेहा, आई एम सेइंग इट बिकॉज़ इस बार योर पापा इज रॉन्ग, गलत बोल गए हो। यू नो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस सॉन्ग, ग्रंज, falsetto, तुम कितनी confident हो यार? You take this song to a different level. For me, it's fabulous singing. तू रो रही क्यों? अरे यार,
यार तुम्हें रोते हुए देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम खुशियाँ डिजर्व करती हो, तुम ये डिजर्व करती हो। ओके सर, ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाय सर। हाय। बाहर भीड़ बहुत थी ना? जी सर, बाहर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी सर। अच्छा। मैं सुबह को आया था और अभी शाम हो चुका है सर। अच्छा अच्छा, कहाँ से आप सारी? सर हम पाली राजस्थान से आए हैं, बहुत ही दूर से आए हैं। वाह वाह। अच्छा आपका नाम क्या है? बेटा नाम बता तेरा। जी पापा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद हजर है सर। आप बताइए आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, फैमिली बैकग्राउंड, हमें सब बताइए, जानना है। सर अब मैं काम के बारे में क्या बताऊं सर, ये जो आप मटकी देख रहे हो मेरे लड़के के हाथ में, मैं मटकी बेचने का काम करता हूं सर, और सर मटकी 50 रुपए में बेचने की कोशिश करता हूं, लेकिन नहीं बिकती है सर, सिर्फ 40 रुपए में बिकती है सर। मैं इतनी मटकी बेचता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, दूर दूर से मटकी लेके आता हूं, बेचता हूं, लेकिन सर पैसा नहीं छूटता है सर, कमाई नहीं रहती है। और सर घर के अंदर 2 बेटियां हैं सर, अब मैं क्या बताऊं सर, 2 बेटियां जवान हो चुकी है सर, और ये मेरे बेटा, ये भी आप देख रहे हो, ये भी जवान हो चुका है, इन तीनों की शादी करनी है सर। और सर मैं क्या बताऊं सर, हमारे समाज में ऐसा है कि सर जब बेटियां जवान हो जाती है ना, तो सर मोहल्ले वाले और समाज वाले ताना मारने लगते हैं सर, कि इतनी बड़ी बड़ी बेटियों को घर पे लेके बैठा है, कुछ शादी नहीं करता है, कहीं रिश्ता नहीं जोड़ता है। अब मैं क्या बताऊं सर, मेरा धंधा ही ऐसा है सर, मेरे पास पैसा नहीं है सर, बेटे की शादी कैसे करूं सर, कोई किसी की मदद नहीं करता है सर, मैं मेरे परिवार वालों से पैसे मांगता हूं, वो भी मुझे नहीं देते हैं, और मोहल्ले वालों से मांगता हूं, वो भी नहीं देते हैं। अब मेरे पास कौन सा रास्ता है? अगर मैं ब्याज पे पैसा लेके आऊंगा तो सर मेरा घर कैसे चलाऊंगा, कैसे ब्याज भरूंगा सर? अब मैं बेटियों को शादी करूं तो भी कैसे करूं सर, बहुत ही परेशान हूं सर। इसलिए सर मुझे एक भाई ने बोला था कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा गाता है, एक बार इंडियन आइडल लेके जाओ, क्या पता तुम्हारा तकदीर चेंज हो सकता है। इसीलिए सर मैं आज इंडियन आइडल में आया हूं, और मैंने देखा था सर मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, मेरे को विश्वास है सर कि मेरा बेटा यहाँ से जीत के जाएगा। बेटा कुछ बोलना चाहता है? जी पापा, मैं भी कुछ बोल बेटा बोलना चाहता हूँ सर। हम बहुत गरीब हैं सर, मेरे पापा मटकी बनाने का काम करते हैं, लेकिन सर मेरे पापा ने कभी भी सुकून की नींद नहीं ली है सर। मैं जब रात को उठ कर देखता था तो सही बोल रहा है मेरा बेटा, रोते थे सर, मेरे पापा इतने रोते थे, और मुझे पता है सर आज मेरी आंखें भर आई है क्यों रोते हैं। मेरे घर के अंदर 2 बेटियां हैं सर, वो जवान हो चुकी है, और सर मोहल्ले वाले समाज वाले ताना मारते हैं सर, और मेरे पापा कहाँ से पैसे लाएंगे, कैसे शादी करेंगे, जिसलिए सब सोचते रहते हैं और रात को खूब रोते हैं, हमारे सामने नहीं रोते हैं सर। मैंने रात को उठ कर देखा था, मेरे पापा बहुत रोते हैं सर, और तो सर मेरे पापा ने कभी भी हरी सब्जी से रोटी नहीं खाई है सर, हमेशा मेरे पापा प्याज और नमकीन भुजिया से रोटी खाते हैं, कभी भी इन्होंने अच्छा खाना नहीं खाया है सर, अच्छा कपड़ा नहीं पहना है कभी भी, क्योंकि सर इनके ऊपर
बहुत सारा बोझ है ना सर, जिसलिए सर, सही बोल रहा है मेरा बेटा, जिसलिए सर मैंने सोचा कि मैं एक बार इंडिलाइडल मेरे पापा को जरूर लेके चलूं, इसलिए सर मेरे पापा को इंडियन आइडल में लेके आया हूँ सर। मेरा सपना है सर, मैं भी वायरल होना चाहता हूँ, एक अच्छा गाना गाना चाहता हूँ, सुपरस्टार सिंगर बनना चाहता हूँ। मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं, दिन और रात मटकी बेचते हैं, लेकिन कुछ भी पैसा नहीं बचता है सर। सही बोल रहा है मेरा बेटा। मैं भी मेरे पापा को देखता हूँ, मैं भी खूब रोता हूँ सर, समझ में ये नहीं आता है कि कब अच्छे दिन आएंगे, कब हम खुशियाँ मनाएंगे, कभी नहीं सोचा है सर। आज मेरी आंखें भर आई है, मैं आपको निवेदन करता हूँ कि मुझे एक गाना गाने दीजिए सर। देखिए, एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नजरिया आपके लिए बदल जाएगा, और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया जरूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया है। मैं इतना ही कहूंगी कि विनीत, मैं नॉट एज दोस्त बट राइट नाउ एज जज आपको बहुत बड़ा हाँ देती हूँ। आज पूरा देश तुम्हें देख रहा है विनीत, और मुझे पता है कि सबकी दुआएं अभी ना आपके ऊपर है विनीत। एवरीबडी सिंग विनीत को गा दे, विनीत को गा दे, विनीत को गा दे। ओके सर, मैं स्टार्ट करता हूँ सर। अरे वाह, जोरदार तालियां हो जाए। मुख तेरा सोनिए गुलाब ना लू चंगा, मुख तेरा सोनिए बना लू चंगा, नशा तेरी अख दा शराब नालो चंगा, ओ नशा तेरी अख दा शराब नालो चंगा। सारे गारे सारे सारे गारे दसा, सारे गारे सारे सारे गारे दसा, सारे गा सामने का पदा सा दा 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 पा 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 गा 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 दे दे सदा। ओ किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, जी कर देखदा रमा, ओ किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल कर देखदा रमा, ओ किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। जादू जगाया तेरे रूप ने, ये जादू जगाया, जी कर देखदा रमा, ओ किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। सगा नि 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 जा नि 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 जा नि जा दा 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 गा नि 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 जा नि 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 जा नि जा दा 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 गा नि 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 जा नि 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 जा नि जा दा। सारे का परे का पादा सदा पादा बागा बागा रे घरे सा, प्यार तेरा तेरा प्यार।
सजाया तेनू दिल वाले शीशे च सजाया जी करे वेखदा रवो किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया ओ किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया क्लैप फ्रॉम विशाल एंड नेहा टुगेदर. मैंने क्लैप नहीं किया. क्यों सर? क्यों? क्यों सर? आखिर क्यों? द रीजन इज वेरी सिंपल. आई एम सॉरी टू से आई रियली एम एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज़ यू गॉट क्लैप्स फ्रॉम विशाल एंड नेहा. आई एम सेइंग इट बिकॉज़ इस बार योर पापा इज रॉन्ग. गलत बोल गए हो. यू नो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस सॉन्ग ग्रंज falsetto. तुम कितनी confident हो यार. You take this song to a different level. For me, it's fabulous singing. तू रो रही क्यों? अरे यार, तुम्हें रोते हुए देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम खुशियाँ deserve करती हो. तुम ये deserve करती हो. ओके सर, ओके. धन्यवाद सर, धन्यवाद. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.